Assalamu alaikum and hello to all the viewers, all the bikers, all the tourists. Gee viewers, आप देख रहे हैं background में Yamaha YBR 125G और 2019 model of viewers और किन का है और 2019 में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल नया है और 121 किलोमीटर चला है और इसमें इनके ओनर से मिलना रह गया था, उनको मैं बुलाता हूँ, उनसे बातचीत भी होती है और थोड़ा उनसे पूछता हूँ कि क्या कुछ कस्टमाइजेशन की है और क्या क्या। तो इधर आ जाएं, अस्सलाम वालेकुम जी अली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक भाई। एक्चुअली अली, उस दिन व्यूअर्स कह रहे थे कि हम लोग उन्हें दिखा नहीं सके मोटर बाइक, तो अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं आज फिर से कि वाई बी आर 125G ही क्यों, कोई और भी आप कंसिडर कर रहे थे मोटर बाइक? सबसे पहले वाई बी आर जी की मेरे काफ़ी रिकमेंडेशन नई भाई से मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में, जो कि रिएक्शन था जिन लोगों ने परचेज़ की थी, और कंफर्ट को लेके जो है, कंफर्ट मेरे लिए जो थी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने इतनी रेस वगैरह नहीं लगानी थी, मेरे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में बाइक चलानी थी सिटी राइड के लिए। तो जब बाइक ले रहा था उस वक्त मेरे जहन में तीन बाइक्स थी, GS150, CB150F और YBR-G। GS150 का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आई थिंक वायरिंग इशू था, जिस वजह से उसको मैंने स्किप कर दिया। CB150 और YBR-G रह गए थे। CB150 भी इस वजह से स्किप किया कि उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू था, कि आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती थी। और फिर YBR-G के रिव्यूज़ काफ़ी मैंने देखे थे नई भाई के चैनल पर और मुझे काफ़ी पसंद आए थे, तो मैं चला गया यामाहा कैपिटल पे इस्लामाबाद में और आई हैड अ फर्स्ट राइड ऑफ दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। और जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वो आई वाज अमेज्ड, और मेरे जहन में सारी बातें चल रही थी जो कि मैंने नई बाइक के चैनल पे देखा था, कि कंफर्ट वाइज YBR-G का कोई सानी नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न शिफ्ट पैटर्न जो है, क्योंकि मैं होंडा से डायरेक्ट शिफ्ट हुआ था, तो रिटर्न शिफ्ट पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद आया। और फ्यूल टैंक इसका क्योंकि बड़ा है, तो उसके साथ मेरी जो टांगों की ग्रिप है, हाइट भी मेरी बड़ी है, तो इस वजह से मेरी इस पर बैठ के ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल मैं बैठ गया था। बाकी सीटिंग जो इसका पॉस्चर था, सीटिंग पॉस्चर जो है वो भी मेरा काफ़ी जो है इसका बेहतर था। सही दैट आई डिसाइडेड, और उसी दिन मैंने ये रात को बाइक परचेज कर ली थी। ठीक जी। और अली, आप बताएंगे कि मैं कुछ देख रहा हूँ कि आपने इसमें चीज़ें वीज़ें कुछ लगाई हैं, और इनफैक्ट खैर रिंग तो इसमें लगा था YBR-G में, आगे ये जो लगी है शील्ड और ये हैंड गार्ड्स और ये सेफ गार्ड, इनका कुछ बताएंगे आप? जी आई थिंक कि YBR-G को एक मास्टर लुक दे रही थी मैंने काफ़ी, मतलब तो इसलिए सबसे पहले मैंने वन ऑफ माय फ्रेंड्स काजी अता साहब से मैंने ये परचेज किया वाइजर, उसके बाद मैंने ये हैंड गार्ड इसमें ऐड किए, और देन आई बॉट दिस सेफ गार्ड, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है, खुदा ना खास्ता बाइक आपका गिर जाए तो ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और देन व्हाट आई डिड कि इसको बाइक को मैंने एक अच्छा लुक देना था, और इसका मैंने पेंट जो मेरा मेन कंसर्न था कि इसका पेंट मुझे प्रोटेक्ट करना था, देन व्हाट आई डिड कि इसको मैंने रैप करा दिया। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट रैप, स्मोक ब्लैक में ये ट्रांसपेरेंट रैप हुआ हुआ है, और ये मैट ब्लैक में इसके टैंक फ्यूल कवर पर हुआ हुआ है। तो ये फुल टैंक पर और इसके साइड कवर्स ऑल द वे बैक टू द टेल, ये सब मैंने इसको रैप कराया है बिल्कुल कंप्लीट, और ट्रांसपेरेंट रैप की वजह से एक तो विजिबल भी है कि इसके नीचे स्टिकरिंग वगैरह, और दूसरा इसकी खूबसूरती में जो है काफ़ी इजाफा हो गया। तो ये कुछ कस्टमाइजेशन जो है मैंने इस बाइक के ऊपर की है सोफ़ा। अच्छा जी, आपने देखा कि अली ने बड़ी अच्छी रैप इसको करवाया। थोड़ा सा हम पूछ भी लेते हैं कि व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कहाँ से करवाई और क्या एक्सपेंडिचर आया इस पर। जी ये रैप मैंने बेसिकली G9 मरकज इस्लामाबाद से मैंने कराया था एक शॉप से, और इस पर टोटल कॉस्ट मुझे 2500 आई थी इस कम्प्लीट के ऊपर, टेल साइड कवर्स और टैंक के ऊपर, और आई थिंक कि काफ़ी मुनासिब मुझे रैप हो गया था इसके ऊपर। अगर देखा जाए मार्केट रेस के हिसाब से तो 2500 इस पूरी बाइक पर टोटल रैप का खर्चा आया था। बिल्कुल जी व्यूअर्स, बड़ी अच्छी क्वालिटी से, मतलब अच्छे हाथ की सफाई से किया हुआ है,
मैं देख रहा हूँ और बड़ा मुनासिब है वाकई, अगर इतने पैसों में। और चलें, अच्छा हो गया कि अली ने रजिस्टर भी करवा लिया, क्योंकि हम लोग यही कह रहे थे कि उसके बगैर बेहतर है कि ना चलाई जाए। अब ये कि आराम से रनिंग वगैरह पूरी कर सकेंगे। व्यूअर्स, ये एक लुक मैं फिर से आपको दिखा दूं मोटर बाइक की। और बिल्कुल जी व्यूअर्स, अभी मैं एक इसकी टेस्ट राइड भी लूँगा और फिर आपसे बात करता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अली की बाइक का राउंड लगाता हूँ टेस्ट राइड।